और दिल के घर बहन से मुबारकबाद देता हूँ। अभी मौलाना ने बहुत कुछ बता दिया मेरे बारे में, ये लायक नहीं हूँ फिर भी उस लायक समझ रहे मेरे को, वो अल्लाह का बहुत बड़ा कर्म है। जैसा मौलाना ने बताया, ये कहते हुए ज्यादा बात करने में थोड़ा तकलीफ हो रही है, इसलिए ज्यादा ना बात करते हुए और अभी बकायदा बता रहे थे, ये कुछ 2000 स्क्वायर फीट लेके अल्लाह मियाँ अल्लाह के घर के लिए हर एक से नहीं देता। एक मिसाल देते दे, मैं देता हूँ आपको, अल्लाह मियाँ अल्लाह के घर के काम के लिए हर एक से नहीं लेता। अरबोंपति रहते हैं, गर्भोंपति रहते हैं, अल्लाह जिससे लेना उससे ही लेता, अल्लाह के घर को जिससे लेना उससे लेता। मिसाल अब ये अल्लाह का घर जो बना है, इसके अंदर मेरा अल्लाह ताउन नहीं लिया, नहीं लेना चाहता था अल्लाह, नहीं लिया मेरे पास, मैं कुछ बकर जाकर मेरे से कुछ ताउन हुआ क्या इसके अंदर, नहीं मेरा आपसे आपने कुछ नहीं किया, मेरे पास आई भी नहीं, शायद मेरे पास रहते बकरा शायद मेरे पास आई भी नहीं। मैं बोल रहा आए नहीं है वो बात नहीं है, अल्लाह अल्लाह के घर को जिससे लेना उससे ही लेता, हर एक से नहीं लेता अल्लाह मियाँ, अल्लाह जिससे लेना उससे लेता। हो सकता है कि अल्लाह ये मेरे से ये काम मेरे से नहीं ले सकता। आगे आप लोग ने कभी मस्जिद के इसके लिए हो सकता कि और एक 2000 स्क्वायर फीट जगह लेने का कुछ इरादा आप लोग ने किया है, अगर वो जगह लेंगे इंशाल्लाह अल्लाह मेरी ताकत के हिसाब से मेरे को जो तावन करना इंशाल्लाह मैं तावन करता हूँ कि अल्लाह इसमें नहीं लेना चाहता अल्लाह उसमें लेना चाहता लगता है। ये कहते हुए दुआ की दरख्वास्त करते हुए मेरी आवाम से इतना ही आज जाना, कभी भी वही मांगता हूँ तो मेरे हक के अंदर कभी भी जब नमाज पढ़ते तो यही दुआ मांगना, जमीन को से तंदुरुस्ती दियो दौलत दियो करके, खाली सिर्फ आप जब जब नमाज पढ़ते हैं सिर्फ मेरे हक में ये दुआ मांगना, अल्लाह हमारे बच्चे जमीन अहमद खान को जब तक तू जिंदा रखता उसे और कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा ले कर दुआ की दरख्वास्त करते हुए मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बड़ा एहसान हम पर है कि अल्लाह ताला ने हमसे काम लिया, हम लोग मैं हमारे मुश्ताक भाई सेक्रेटरी साहब हैं, मैं इसका नाचिज़ मैं भी एक गुलाम हूँ, हमारे ये भी ज़िम्मेदार सब हजरात हैं, सब मिलकर जो है बैठकर हमारे एक और एक कैशर बड़केदा करके हैं, सब मिलकर बैठकर डिस्कस किए। हमारे मोहल्ले में भी एक मस्जिद की सख्त ज़रूरत है, लोग जो है बहुत ज़्यादा है, मोहल्ला बहुत बड़ा है, इसलिए हम लोगों को ख्याल आया कि हम लोग सब मिलकर एक मस्जिद बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सब मिलकर कोशिश की है, अल्लाह ताला ने मस्जिद का काम हमसे लिया, अल्लाह के नेक और बहुत सारे हजरात मोहल्ले के बाहर के सब मिलकर ताउन किए, उन सब के ज़रिए से जो एक अल्लाह का घर खाई माज हुआ है। आज जो छठवां क्रॉस विनायक नगर पुरानी गुड़दली में मस्जिद गौसे आज़म का जो इफ्तिताह हुआ, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात। जहाँ कहीं भी अल्लाह का घर तामीर हो या मस्जिद तामीर हो, वहाँ से बहुत सारे बुराया गलत चीज़ें हट जाती और पाक व साफ माहौल होता है, दीनी माहौल होता है, नमाजों की पाबंदी होती है, ये सब चीज़ों से दिल खुश होता है, मोहल्ले में भी तरक्की आती है इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम। आज जो गौसे आज़म ट्रस्ट की जानिब से जो बहुत दिन से ये लोग बहुत ही मेहनत कर रहे थे कि ये इलाके के अंदर एक आलीशान मस्जिद बने और जिसके लिए जगह की भी ज़रूरत होती है, तो उसी तरह से 2-3 साल से ये लोग मेहनत कर कर के सारा ट्रस्ट आज एक नतीजे पर लेके आए हैं जो कि आप देख रहे हैं कि इतनी आलीशान मस्जिद बनी है। तो एक एज ए मुस्लिम हम सबका ये फ़र्ज़ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चल कर के हम अपने दीन को मजबूत करें और इंसानियत को भी क़ायम करते हुए ऐसे आलीशान घरों के लिए हमेशा अल्लाह ताला ऐसे लोगों को खूब तरक्की दे। और गौसे आज़म ट्रस्ट के सारे ज़िम्मेदार को मैं तहे दिल से मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ और तमाम को भी दीन और दुनिया इंसानियत के दायरे में चलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पूरा करने का अल्लाह हमें मौका दे। ये कहना पड़ रहा है कि हमारे पादरीपुरा वार्ड 135 में मस्जिद गौसे आज़म का इफ्तिताह हुआ है और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज अल्लाह का घर और एक घर आबाद हो गया है।
और मैं यहाँ पे मुझे चीफ गेस्ट बना के बुलाया गया था और मुझे इस अल्लाह के घर के को देख कर मुझे बहुत खुशी हुई। और ये सारी चीज़ें जो है हमारे इस मस्जिद गौसे आज़म के कमेटी की फिक्रें हैं और इस मोहल्ले वालों की फिक्रें हैं कि आज एक और अल्लाह का और एक अल्लाह का घर आबाद हो गया। और मैं इन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो है अल्लाह का घर यहाँ पे एक आपने तामीर फरमाई। मस्जिद के कमेटी वालों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने जो है एक फिक्र से और सबके पास आपकी मेहनत लगन लगा कर जो है आपने एक मस्जिद का घर आपने खड़ा कर दिया है। और मैं भी इसके अंदर मेरे से जो हो सकता मैं भी ताउन किया हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इस मोहल्ले के 135 वार्ड के सारे मुसल्लियों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज मस्जिद गौसे आज़म आपके मोहल्ले में आपके वार्ड में इफ्तिताह हुआ है। आप सब लोग मिलकर इस मस्जिद को आबाद करें। ये बात मैं कहते हुए मैं मेरी बात ख़त्म करता हूँ। क्रिएटिविटी साहब जो किए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे चल के और तरक्की होती है अल्लाह के हुक्म से, नबी के तुफैल जो करम से, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तुफैल से। या अल्लाह ये मस्जिद को बहुत बड़ी कामयाबी दे, फतेहयाबी दे। मस्जिद तामीर करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको आबाद करना बहुत बड़ी बात है। वो आबाद करना बहुत बड़ी बात है। हम पूरे मिलकर हमारी कमेटी मिलकर मस्जिद की ज़रूरत थी, मस्जिद बना कर रही यहाँ, मस्जिद की बहुत सख्त ज़रूरत थी। इंशाअल्लाह हम पूरे साथी मिलकर बैठ कर मशवरा करके एक मस्जिद बना कर कायम करेंगे इंशाअल्लाह।